नमस्कार, स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल मैथ्स कंसेप्ट में है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग प्रतिशत चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं और आज मैं इसी चैप्टर को और आगे ले जाने जा रहा हूं। आइए, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कटौती यानी कमी कर दी गई, इससे पूर्व यानी पहले जैसा मूल्य लाने हेतु तो कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए। अभी तुरंत एक फॉर्मूला देखें आप, कमी कितना किया गया है 20, वृद्धि कितना किया जाए x, कमी यानी माइनस, वृद्धि यानी प्लस, एक माइनस एक प्लस होगा तो यहाँ क्या होगा माइनस, और एक्स वाई बटे 100 होता है ना, और परिणाम क्या होगा, परिणाम शून्य होगा। परिणाम शून्य क्यों होगा, क्योंकि क्वेश्चन बोला कि खर्च पहले जैसा हो जाए, मूल्य पहले जैसा हो जाए, यानी मूल्य में कोई परिवर्तन ना हो। इसको हल कर लीजिए आपका आंसर। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, एक्स एक्स माइनस 20x/100 बराबर क्या 20। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या होगा 80x/100 बराबर क्या 20, और x बराबर क्या 20 × 100/80, 4 और ये 25%। या इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे क्यों नहीं बनाते हैं, किसी वस्तु का दाम 100 रुपया था, वो गिर के 80 हो गया, और फिर 80 को 100 बनाना है तो क्या बढ़ाना होगा 20। तो लिखिए 80 में वृद्धि 20, तो 100 में वृद्धि क्या, वही एक ही नियम। आगे आंसर 20/80 × 100, 20 × 4 = 25%। ये आपका आंसर है, ये ज़्यादा आसान है। इस बात को समझने में शायद कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर एक बार देखा जाए, किसी वस्तु का दाम 100 था, दाम 20% गिर गया तो दाम अब 80 हो गया होगा ना, बिल्कुल हुआ होगा। फिर क्वेश्चन क्या कहता है, दाम पहले जैसा हो जाए यानी दाम 100 हो जाए, तो 100 हो जाने के लिए क्या करेंगे, 80 में 20 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, तो 80 में कितना जोड़ना जरूरी है 20, 100 में कितना जोड़ना जरूरी, हो गया आंसर। आइए अगले सवाल में, अगला सवाल आपका, किसी वस्तु पर दलाली की दर 8% से 10% होने पर भी एक दलाल की आय अपरिवर्तित रही। कहने का मतलब कमीशन, किसी वस्तु को मेरे माध्यम से बिकने के बाद जो हमको कमीशन दिया जाता है वही दलाली है, वही कमीशन है। पहले मेरा कमीशन क्या था 8%, उसके बाद हमको 10% दिया जाने लगा और हम देख रहे हैं मेरे आय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो ऐसा क्या हुआ होगा। तो मेरा आय दो बात पर डिपेंड करता है, एक तो दलाली का दर कितना है, कमीशन का दर कितना है, दूसरा हम कितने का व्यापार करते हैं। अगले दिन हम 0 का व्यापार करेंगे तो क्या कमाई होगा, 0। क्यों, क्योंकि जितने का हम बिजनेस करेंगे उसी का ना 8% मिलेगा, उसी का ना 10% मिलेगा, हम कोई व्यापार ही नहीं करेंगे तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं। तो आइए जरा सा सवाल मोटा मोटी हम लोग समझ चुके हैं, इसको ऐसे बनाते हैं। माना पहले दिन मेरा व्यापार 100 रुपये का था, तो उस दिन मेरा आय क्या होगा, उस दिन मेरा आय ये होगा, होगा ना। साफ साफ क्वेश्चन कह रहा है कि दलाली की दर, कमीशन की दर 8% है, मतलब 8% दिया जा रहा है, 100 का व्यापार करते हैं तो 100 × 8 ये आय है मेरा, कब का, पहले का, और बाद में हम 100 रुपये का व्यापार नहीं किए होंगे। अगर बाद में हम 100 रुपये का व्यापार किए होते और 10% कमीशन मिलता तो मेरा आय पहले के आय से बदल जाता, लेकिन क्वेश्चन कहता नहीं, मेरा आय नहीं बदला है, इसका मतलब है कि हम 100 रुपये का व्यापार नहीं किए होंगे। तो हम अगले दिन व्यापार कितने का किए होंगे, तो अगले दिन व्यापार हम x का किए होंगे, और उस दिन मेरा कमाई क्या होगा, मेरा आय क्या होगा, तो उस दिन मेरा आय ये होगा। और क्वेश्चन कहता है पहले के आय और बाद के आय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई बदलाव नहीं हुआ, यानी ये आय जितना, ये आय उतना ही। तो x का मान निकाल लीजिए, देखिए तो कितना आता है,
एक्स बराबर क्या 80। मतलब है जो व्यापार आप 100 का करते थे बाद में वो व्यापार कितने का हो गया 80 का, तो आप कहिएगा व्यापार में गिरावट क्या 20%। ये आपका आंसर है। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी बना सकते हैं। पहले आपके नज़र में होगा कि हम 8 रुपया के बदले अब 10 रुपया कमाएंगे, ऐसा ही ना आप सोच रहे होंगे। पहले 8% था तो 8 रुपया के बजाय अब 10% हो गया, तो 10% 8 के बजाय 10 मिलेगा, यही ना। पहले मेरा कमाई 8 था तो अब हम सोच रहे हैं निसंदेह 10 होगा, लेकिन अगले दिन भी फिर 8 हो गया, तो कितने का गिरावट हुआ 2 रुपये का। तो लिखिए 10 में गिरावट क्या 2 और 100 में गिरावट क्या 20%। ये आपका आंसर ऐसे भी बना सकते हैं। दिक्कत क्या नहीं, आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल बहुत साधारण बहुत आसान। पटसन के भाव में 20% कमी आने पर इसका भाव 800 रुपया प्रति क्विंटल हो जाता है। इसका भाव 800 रुपया प्रति क्विंटल हो गया इसका प्रारंभिक भाव। अगर यहाँ x मानिएगा तो आप ऐसे लिखिएगा भाव x था, कमी कितना हुआ x का 20%, तो नया भाव ये होगा और नया भाव 800 है। इसको हल कीजिएगा आंसर आएगा। या इस सवाल को ऐसे लिखिए 20% दाम गिर गया तो दाम होगा कितना 80% और दाम होगा कितना 800। तो 80% का मान 800 तो 100% का मान क्या, ये आपका आंसर है। यानी 1000 रुपया। यहाँ हल कीजिएगा थोड़ा ज़्यादा वक्त लगेगा। आइए अगले सवाल में आते हैं। आइए अगला सवाल आपका, सवाल कहता है, सवाल को समझना है। सवाल कहता है किसी वस्तु के मूल्य में 33.1/3% कमी होने पर 1 रुपया में 4 पीस अधिक मिलने लगा। तो क्वेश्चन कहता है पहले 1 रुपया में कितना पीस मिलता था, क्वेश्चन समझ में आया ना। क्वेश्चन कहता है किसी कोई वस्तु है जो 1 रुपया में कुछ पीस मिलता था, अब दाम थोड़ा गिर गया है तो अब 1 रुपया में उससे 4 पीस और ज़्यादा मिलने लगा। तो क्वेश्चन कहता है कि पहले 1 रुपया में कितना पीस मिलता था, यही ना। और इसी फॉर्म में आंसर भी आपका ऑप्शन भी है। आइए मान लिए कि पहले 1 रुपया में एक्स वस्तु मिलता था, यही एक्स आपका आंसर होगा। पहले 1 रुपया में एक्स वस्तु मिलता था, अब मूल्य में कमी हुआ है कितना 33.1/3%। 33.1/3% को आप क्या कहिएगा 100/3×100, ये क्या हो जाएगा 1/3 भाग। और ये बात आपको भविष्य में या ध्यान भी रखना है, इसका भी एक चार्ट हम देंगे किसी न किसी वीडियो में। जैसे 33.1/3 देखेंगे समझ जाएंगे 1/3 भाग, यानी मूल्य में कमी क्या हुआ है 1/3 भाग। और मूल्य में कमी 1/3 भाग होगा तो अब मूल्य कितना रह जाएगा, तो अब आप कहिएगा 1 रुपया में नहीं 1 रुपया माइनस 1/3 रुपया, इतना में ही अब एक्स वस्तु मिल जाएगा। अब एक्स वस्तु के लिए 1 रुपया नहीं देंगे, अब कितना देंगे कम देंगे, कितना कम देंगे तो 1/3, क्वेश्चन कह रहा है। तो अब इतना रुपया देंगे और एक्स वस्तु मिलेगा हमको, अब इसका हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2/3 रुपया होगा। 2/3 रुपया में क्या मिलेगा एक्स वस्तु, 1 रुपया में क्या मिलेगा 3x/2 वस्तु। पहले 1 रुपया में क्या मिलता था एक्स वस्तु, अब 1 रुपया में क्या मिलता है 3x/2 वस्तु। अब ये वस्तु इस वस्तु से अधिक है, क्वेश्चन कह रहा कितना 4, तो लिख दीजिए दोनों का अंतर 4। 3x/2 बाद में, x पहले और दोनों का अंतर कितना दिया है 4। बस हल करना है इसको, 2 3x-2x=4, x=8, यानी x का मान 8 निकला। और x क्या माने थे वस्तु, यानी पहले हम लोग माने थे 1 रुपया में x वस्तु, यानी 1 रुपया में 8 वस्तु। पहले क्या मिलता था आपको 1 रुपया में 8 वस्तु। आइए इसी क्वेश्चन को हम लोग बहुत कम समय में बनाए, हालांकि समझना मुश्किल नहीं है, समझ गए आप लोग, लेकिन कम से कम समय देना है। आइए जरा सा एक बार देखते हैं। देखिए मान लिया जाए आप 1 रुपया का खरीदारी कर रहे थे तो दाम कितना गिर गया इसका 1/3, यानी क्या 1/3।
1/3 रुपया दाम गिर गया नहीं, और 1/3 रुपया भी आप दे दीजिएगा जिसके बदले में आपको क्या मिला, 4 वस्तु। आज आपका खर्च वही है ना, खर्च नहीं ना कम हो रहा है, खर्च उतना ही है तब ना 4 पीस ज़्यादा मिल रहा है। 1/3 रुपया ये जो दाम गिर गया है ये अपने पॉकेट में हम रख लेंगे तो उतना ही वस्तु मिलेगा जितना पहले मिल रहा था, ये भी हम दे देते हैं तो हमको 4 पीस अधिक मिल जाता है। तो 1/3 रुपया हम दे देते हैं तो कितना पीस मिलता है, 4 पीस, और 1 रुपया में हमको कितना पीस मिलेगा तो 12 पीस। मतलब मूल्य घटने के बाद 1 रुपया में कितना पीस, 12 पीस। तो पहले आंसर क्या होगा, 1 रुपया में 8 पीस, ये आंसर होगा। 8 क्यों होगा, क्योंकि 4 पीस तो हमको बाद में मिलने लगा ना, तो पहले क्या मिलता होगा, 8। आइए इसको सबसे मूल बात है ये 1/3। आप मान लीजिए ना कि 1 रुपया में आप खरीदारी कर रहे थे, 1 रुपया में कितना, तो 1 रुपया में ही खरीदारी करते हैं, दाम अगर खरीदारी 1 रुपया का कर रहे हैं तो दाम कितना गिरेगा, 1 रुपया का 1/3 कितना होगा, तो 1/3 रुपया। ये 1/3 रुपया अगर अपने पॉकेट में रख लें तो पहले जितना वस्तु मिलता था उतना ही मिलेगा, क्योंकि जितना दाम गिरा उतना तो पॉकेट में रख लिया आप। अरे 20 रुपया के बदले अगर कोई वस्तु 15 रुपया पर केजी हो जाए, आप 15 रुपया ही दीजिएगा, 5 रुपया रख लीजिएगा तो उतना ही सामान मिलेगा, लेकिन 20 रुपया दे दीजिएगा तब सामान बढ़ के आएगा। तो 1/3 दाम गिर रहा है, यानी 1/3 आपके पॉकेट में होना चाहिए, लेकिन यही 1/3 आप फिर से दे देते, अभी फिर दे देते हैं आप अपने पास नहीं रखते हैं, जिसके कारण दुकानदार क्या करता है, 4 पीस आपको अधिक दे देता है। 1/3 का मान कितना, 4 वस्तु, 1 का मान कितना, 12 वस्तु। मतलब आज 1 रुपया में 12 वस्तु मिल रहा है, तो पहले क्या मिलता था, 1 रुपया मान। ये आंसर है। अगला सवाल बहुत आसान, यदि प्रेशर कुकर के मूल्य में 20% की कमी होने पर उसकी बिक्री 40% बढ़ गई हो तो दुकानदार के आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ दुकानदार का आय दो बात पर डिपेंड हो रहा है, मूल्य कितना बढ़ता है घटता है उस बात पर, और या कितना पीस अधिक बिकता है या कम बिकता है उस बात पर। तो कल ऐसे बात के लिए एक हम लोग बोले थे ये फार्मूला रटेंगे, फार्मूला का यूज़ लेंगे, कौन सा, x+y+xy/100, या फिर आइए सबसे पहले मूल तरीका ही देखा जाए। माना एक प्रेशर कुकर का दाम 100 रुपया और 100 पीस रोज़ बेचते हैं तो दुकानदार का आय कितना होगा, तो आप कहिएगा 10,000। अब अगले दिन प्रेशर कुकर का मूल्य 20% गिर गया, मतलब अब मूल्य कितना हो गया, 80। अब अगले दिन 140 पीस बिकने लगा, क्वेश्चन कह रहा, हम नहीं कह रहे हैं, बिक्री में 40% की वृद्धि हो गई, तो अब आय क्या होगा, अब आय इतना होगा। तो देखिए आपका आय बढ़ गया 1200, तो प्रतिशत वृद्धि बता दीजिए, ये आपका आंसर है। 1200 × 100 क्या, कुल 10,000, 12%, ये आपका आंसर है। इस क्वेश्चन के लिए आप ये भी कर सकते हैं, दाम गिर गया क्या 20%, बिक्री बढ़ गया क्या 40%, 1 − 1 + होगा तो यहाँ माइनस होगा 20 का 40%। अब देखिए आपका आंसर, 20 में 40 में 20 जाएगा, 20 − ये कितना, 8, यानी क्या 12, प्लस में है मतलब क्या वृद्धि। और इसके जगह आप ये भी कर सकते हैं, ऐसे देखिए आपका आय जो भी होगा, दुकानदार का आय वो अपने आप में 100% होगा ना, जितना भी हो। अब देखिए उसका आय दो बात पर डिपेंड हो रहा है, जितना पीस अधिक बिकेगा उस पर, और जितना प्रतिशत दाम गिरेगा बढ़ेगा उस पर। तो दाम गिर गया है 20%, तो उसका आय 80% हो जाना चाहिए, दाम 20% गिर गया है तो आय 20% गिरना चाहिए ना, तो आय कितना हो जाएगा 80%। फिर क्वेश्चन कहता है बिक्री बढ़ गया 40%, तो उसका आय भी 140% हो जाना चाहिए, तो सीधा 140% लिख दीजिए। अब कैलकुलेट कीजिएगा तो आएगा 112 का मतलब क्या, 12% अधिक, जो 100 था वो 112 हो गया, इसका मतलब क्या 12% अधिक। तो आप यहाँ से भी आंसर कर सकते हैं, जहाँ से चाहे कर लीजिए। अगला सवाल आपका, अगला सवाल कहता है एक आयत की लंबाई में 30% और चौड़ाई में 20% की वृद्धि किए जाने पर आयत का क्षेत्रफल पहले आयत के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत अधिक होगा। देखिए एक आयत है, इसका भुजा 100 और इसका भुजा भी 100,
ले लेते हैं, लंबाई भी 100, चौड़ाई भी 100। आप कहिएगा ऐसा कैसे होगा, ये वर्ग तो नहीं है। लेकिन वर्ग जो होता है वो भी एक आयत होता है, इसलिए ले सकते हैं हम लोग। इस बात पर चर्चा हम लोग क्षेत्रमिति में करेंगे। तो अभी इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल होगा इतना, बाद में इसका क्षेत्रफल कितना होगा तो 130 गुना 120। क्यों? क्योंकि एक भुजा को 30%, दूसरे भुजा को 20% बढ़ाया गया। तो अब इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, बराबर, तो देखिए तो कितना बढ़ गया, पहले 10,000 था अब 15,600 हो गया, तो वृद्धि कितना हो गया, 1556। सीधा वृद्धि हम लोग लिख दें, 5600 गुना 100 बटे कुल क्या 10,000, यानी आप कह सकते हैं 56% की वृद्धि। कुछ दिक्कत नहीं है, एक भुजा x, दूसरा भुजा x, क्षेत्रफल कितना, इतना 100 गुना 100 सॉरी x कह रहे हैं, एक भुजा 100, दूसरा भुजा भी 100, तो क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो निकाल दिए क्षेत्रफल। क्षेत्रफल आप जान ही रहे हैं कि ये लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो लिख दिए लंबाई गुना चौड़ाई। बाद में वही लंबाई चौड़ाई बदल गया, तो जो हो गया वही लिख दिए, फिर क्षेत्रफल निकाल दिए, और ये क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल से बड़ा है, कितना बड़ा है वही हमारा प्रतिशत वृद्धि का आधार बनेगा, तो बड़ा कितना है वो निकाल दिए, वृद्धि गुना 100 बटे कुल, ये आपका आंसर हुआ। अब आइए आज हम आपको उस बात पर फोकस कराने जा रहे हैं जिसका चर्चा हम पिछले क्लास में भी किए हैं, कि इसके लिए जो आप फॉर्मूला लिखते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, आप हमसे पूछ सकते हैं कि आया कहाँ से। एक भुजा 20 बढ़ा, एक भुजा 30 बढ़ा, तो 50 बढ़ना चाहिए ना, 56 क्यों बढ़ रहा है, वही हम आज दिखाने जा रहे हैं। देखिए अगर लंबाई को 30% बढ़ाना है, तो देखिए लंबाई आपका 30% बढ़ गया, लंबाई को 30% बढ़ा दिए ना, चौड़ाई को 20% बढ़ाना है, तो चौड़ाई 20% बढ़ गया ना, बढ़ गया। तो क्या अब नया आयत बना, क्या नहीं बना, अभी तक भुजा को बढ़ाए हैं 30%, अभी तक इस भुजा को बढ़ाए हैं 20%, तो क्या ये आयत बना, नहीं बना। इसको जब तक बढ़ाकर यहाँ लाएंगे नहीं, तब तक नहीं बनेगा। तो ये है वृद्धि यानी x का मान, ये है वृद्धि यानी y का मान, और ये क्या है, ये वृद्धि का वृद्धि है, ये x जो बढ़ा उसका y बढ़ा है ना, तो ये यही एक्स वाई हुआ, यानी यहाँ 20 का 30% ये ग्रोथ हुआ। तो यहीं से ये फार्मूला आया है, आप फार्मूला कहिएगा कैसे आया, तो वहाँ ये भी सिद्ध हो रहा है, एक भुजा बढ़ा x, दूसरा भुजा बढ़ा y, इससे नहीं काम चलता है, वृद्धि का भी वृद्धि हो जाता है, तो वृद्धि का भी वृद्धि लिखना होगा ना। तो ये भुजा में वृद्धि, ये दूसरे भुजा में वृद्धि, और ये वृद्धि का वृद्धि, यही आपका फार्मूला बन जाता है। यही लिखिए आप, 30 + 20 + 30 का 20%, क्या 56%, ये आपका आंसर। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल है, तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या से 300% अधिक है और तीसरी संख्या से 200% अधिक है, यदि तीसरी संख्या 40 हो तो पहली और दूसरी संख्या का योग तीसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक। देखिए कुछ बात हम लोग पहले समझ लें, अगर तीसरी संख्या x है तो पहली संख्या क्या होगी, क्वेश्चन कहता है पहली संख्या तीसरी संख्या से 200% अधिक है, अगर ये x है तो इसका 200% कितना होगा, इसका 200% होगा 2x, और इससे ये 2x अधिक है तो ये कितना होगा 3x, यानी कितना गुना, 3 गुना। तो यहाँ से आप लोग एक बात हमेशा के लिए ध्यान में रखेंगे, ये हमेशा होगा, कोई भी संख्या दूसरे संख्या से 200% अधिक होगा तो उससे 3 गुना होगा, क्योंकि वो संख्या सामने वाला 100% है और उससे 200% अधिक है तो हम 300% होंगे ना, 200% अधिक होंगे तो 300% जरूर होंगे। तो कहने का मतलब कोई संख्या है उससे हम 200% अधिक हैं तो उसका हम 3 गुना है, किसी संख्या से हम 500% अधिक है तो उसका हम 6 गुना है, किसी संख्या का से हम 900% अधिक है तो उसका 10 गुना है। तो अब आपसे पूछा जाए किसी संख्या से हम 100% अधिक हैं तो आप कहिएगा हम उसका 2 गुना होंगे। हाँ, यही समझाना चाह रहे थे हम। आइए अब सीधा सवाल पर आते हैं। सवाल कहता है
कि तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या से 300% अधिक है और तीसरी संख्या से 200% अधिक है। तो तीसरी संख्या अगर 40 दिया हुआ, तीसरी संख्या से क्यों चल रहे हैं, क्योंकि तीसरी संख्या दिया हुआ है 40। अब तीसरी और पहली में क्या संबंध है, क्वेश्चन कहता है पहली संख्या तीसरी संख्या से 200% अधिक है। अभी आप क्या सीखे, जो 200% अधिक होगा वो तीन गुना होगा, ये 40 होगा तो ये क्या होगा 120। अब पहली और दूसरी में क्या रिलेशन है, पहले लाइन में देखिए आप, तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी से 300% अधिक है और 300% अधिक का मतलब होता है चौगुना, मतलब ये संख्या चौगुना होगा। पहली संख्या 300% अधिक है तो पहली संख्या चौगुना होगा ना, तो ये किसका चौगुना होगा, तो आप कहिएगा 30 का, मतलब ये चौगुना होगा तो ये एक चौथाई होगा। राम और मोहन, अगर राम चार गुना है तो मोहन क्या होगा एक चौथाई, मतलब अगर ये 4x है और राम चार गुना है तो इसको x होना होगा तब ना ये चार गुना होगा। इस बात में कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है कि यदि x y का दो गुना है तो y x का आधा होगा, नहीं, x y का दो गुना है तो y x का आधा होगा। उसी तरह ये इसका चौगुना है तो ये एक चौथाई होगा, तो तीनों संख्या हम लोग को मिल गया। अब सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है तो पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का योग तीसरी से कितना प्रतिशत अधिक है, तुलना किससे हो रहा है, तीसरी से। ये बात हम लोग पहले क्लास में सीख चुके हैं, पहले दूसरे क्लास में ये काम हम लोग करना सीखे थे, परसेंटेज जब हम लोग शुरुआत किए थे परसेंटेज 1 परसेंटेज 2, तो वहाँ इस बात का चर्चा हम किए हैं। इन दोनों का तुलना किससे हो रहा है, तीसरी संख्या से, तो भाग किससे देंगे, तीसरी संख्या से। ये दोनों मिलके इससे कितना प्रतिशत अधिक है, तो कितना अधिक है ये निकालिए, ये 150 और ये 40 यानी 110 अधिक है और गुना 100, 100 से गुना जो ही करेंगे प्रतिशत अधिक हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा 275% अधिक। यानी पहली और दूसरी संख्याओं का योग तीसरी से कितना प्रतिशत अधिक होगा, तो 275%, यही आपका आंसर। हालांकि ये सवाल किसी स्टूडेंट के द्वारा कमेंट बॉक्स में पूछा गया था, देखकर अच्छा लगा, लेकिन हम ये कठिनाई समझ रहे हैं, इस सवाल का हम जवाब दे भी रहे हैं, लेकिन हम समझ रहे हैं कि कमेंट बॉक्स में सवाल पूछना मुश्किल होगा, इसलिए सवाल पूछने के लिए हम आपको अगले वीडियो में टेलीग्राम का भी लिंक देने जा रहे हैं, जिससे आपको सवाल पूछना आसान हो जाएगा। आइए इस सवाल को देखा जाए। अगला सवाल आपका, सवाल बहुत इंटरेस्टिंग, क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। किसी तिथि पर दो देशों के बीच खेले गए सभी एक दिवसीय मैचों में भारत की तुलना में पाकिस्तान की सफलता दर 60% है। किसी एक निश्चित तारीख तक पाकिस्तान का सफलता दर क्या है, 60% है। और क्वेश्चन कहता है वे भारत से अगले 30 एक दिवसीय मैच हार गए, मतलब उस तिथि के बाद लगातार 30 मैच पाकिस्तान भारत से मैच हार गया, तो कहता है कि पाकिस्तान का सफलता दर क्या हो जाता है, 30%। पहले 60% मैच था, अब कितना हो जाएगा, 30%। तो क्वेश्चन कहता है दोनों देश के बीच खेले गए एक दिवसीय मैचों की कुल संख्या क्या है, आइए बताते हैं क्या है। मान लिए कुल मैच की संख्या x, ये क्या है कुल मैच x, अगर कुल मैच x है तो पाकिस्तान 60%, साफ साफ क्वेश्चन कह रहा है पाकिस्तान की सफलता दर 60%। अगर पाकिस्तान की सफलता दर 60% है तो भारत की सफलता दर क्या, आप कहिएगा 40%, एकदम ऑब्वियस है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, यहाँ तक तो ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है उस पर फोकस करना है। इसके बाद क्वेश्चन कहता है कि आगे 30 मैच लगातार पाकिस्तान की हार हुई, जिससे पाकिस्तान का सफलता दर 60 के बजाय अब 30 हो गया, यही सवाल कहता है ना। आइए, कहने का मतलब है अभी तक भारत के पक्ष में कितना मैच, इतना मैच, अब कितना हो जाएगा वो देखिए, अब भारत के पक्ष में इतना मैच होगा, होगा ना, अब भारत के पक्ष में इतना मैच होगा, क्योंकि जितना मैच पहले हम लोग जीत चुके थे उससे 30 मैच लगातार और जीते हैं, तो कुल कितना जीत हुआ, इतना जीत हुआ, ये भारत की जीत। और भारत की जीत एक और रूप में हम लोग लिख सकते हैं, कैसे, कुल मैचों की संख्या क्या, कुल मैचों की संख्या x प्लस 30, आप कहिएगा पहले x मैच, अब x प्लस 30,
और उसमें भारत की जीत क्या 70%। अब आपसे पूछिए ये 70 कहाँ से आया, तो हम कहेंगे कि अब पाकिस्तान की जीत 30% है, तो 70% कौन जीता होगा? भारत। तो भारत की जीत 70% और भारत की कुल जीत, मतलब टोटल मैच जिसमें भारत की जीत हुई, टोटल मैच जिसमें भारत की जीत हुई, तो दोनों तो भारत का जीत है, तो दोनों बराबर नहीं होगा क्या? हल कर लीजिए। हल करने के लिए आइए क्या करते हैं, 40x/100 प्लस 3000 बराबर क्या होगा, एक्स प्लस 30 का 70%। अब ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ क्या करते हैं, यहाँ 10 कॉमन लेकर काट देते हैं, 10 कॉमन होगा तो यहाँ होगा 4x+300 बराबर क्या, x+30 × 70। एक जीरो काट लिए, अब फिर गुना कर लेते हैं, 4x+300 बराबर क्या, 7x+210। अब 4x इधर जाएगा तो ये 3x होगा और 210 इधर आएगा तो ये 90 होगा, x बराबर क्या 30। यानी शुरू में आप कितना मैच खेले थे, तो शुरू में 30 मैच खेले थे, टोटल मैच का संख्या पूछा जाए तो आप 60 कहिएगा क्योंकि बाद में 30 मैच खेला गया है, तो कुल मैच की संख्या क्या 60 लिख दीजिए आंसर, कुल मैच बराबर 60, ये आपका आंसर है। समझने में कोई दिक्कत क्या? आइए एक बार फिर देख लेते हैं क्या दिक्कत है। एक्स क्या माने थे आप, एक्स माने थे कुल मैच, उस कुल मैच का 60% कौन जीता, पाकिस्तान, तो 40% कौन जीतेगा, भारत। इसके बाद जो 30 मैच हुआ लगातार वो भारत जीत गया, तो भारत में और ऐड होगा ना 30 मैच, पहले कितना भारत जीता था इतना, बाद में 30, तो भारत का कुल मैच कितना, इतना प्लस 30। अब भारत का हम लोग जीत ऐसे भी निकालेंगे कि कुल मैच की संख्या क्या, x प्लस 30 और उसका 70% जीत होगा, क्योंकि भारत बाद में पाकिस्तान का जीत कितना है 30, तो 70 किसका होगा, भारत का। ये भी भारत का जीत और ये भी भारत का जीत, दोनों बराबर होगा। x के लिए हल कर लीजिए और कुछ नहीं करना, हालांकि आप चाहिएगा इसका दूसरा समीकरण तो दूसरा तीसरा चौथा पांच समीकरण हम दे सकते हैं, कुछ एग्जांपल और भी ले लीजिए आप। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए कैसे, ये तो इतना बात तो साफ साफ आप जान ही रहे हैं। इसके बाद आप ऐसा कर लीजिए क्या, 40x/100 और प्लस 30, ये किसका मैच, आप कहिएगा इंडिया का। अब आइए भारत का, ये किसका मैच, आप कहिएगा ये पाकिस्तान का। तो वर्तमान में भारत और पाक, शुरू का बात नहीं है, ये वर्तमान में है, वर्तमान में भारत इतना, वर्तमान में पाकिस्तान इतना, और दोनों का रेशियो क्या होगा 70/30। 70/30 क्यों होगा, क्योंकि वर्तमान में पाकिस्तान का दर क्या है 30, तो ऑब्वियस है भारत का दर 70 होगा। एक्स का मान निकाल लीजिए, आंसर है, ये दूसरा समीकरण हो गया। दूसरा तीसरा चौथा पांच समय के समीकरण दे सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं इन सब को छोड़कर चलिए आगे। इस क्वेश्चन को आप परसेंटेज का भाग 7 जो वीडियो हम दिए थे उसमें एक कंसेप्ट दिए थे, व्युत्क्रमानुपाती का जहां कंसेप्ट रिलेशन होगा वहां क्या करेंगे, अगर इस बात को समझने में दिक्कत हो तो परसेंटेज का भाग 7 देखिए, वहां समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे बनाएंगे, शुरू में भारत का ये पाकिस्तान का जीत कितना था 60%, और हम मान लेते हैं उस समय मैच की संख्या x था, शुरू का बात कर रहे हैं, उस तिथि से पहले पाकिस्तान का सफलता दर 60% और उस समय कुल मैच की संख्या x, बाद में पाकिस्तान का सफलता दर क्या हो गया 30, तो उस समय तक कुल मैच की संख्या क्या होगा 60×x/30। अब कहिएगा कि यहाँ बटा 60 होना चाहिए, नहीं, ये व्युत्क्रमानुपाती होगा, और क्यों होगा ये समझना हो तो वीडियो 7 देखिए परसेंटेज का, यानी 2x। अब देखिए पहले कितना मैच था x, बाद में कितना हो गया 2x, तो कितना बढ़ गया x, और बढ़ कितना रहा 30, यानी x बराबर 30, तो 2x बराबर क्या ये 60, कुल मैच निकल गया, कहीं कोई समस्या नहीं।
लेकिन ये बात आप नहीं समझ रहे हैं तो पिछला वीडियो आपको देखना होगा। हालांकि एक बार और हम प्रयास कर देते हैं। देखिए होता क्या है, पाकिस्तान का मैच तो शुरू में जितना था बाद में उतना ही है ना, मैच तो नहीं घट गया ना। भारत का मैच बढ़ने के कारण पाकिस्तान का प्रतिशत गिर रहा, उल्टा हो रहा ना। तो जब उल्टा बात ऐसा होगा तो ये हम लोग व्युत्क्रमानुपाती का काम करेंगे। यहाँ 60% था तब कुल मैच क्या था एक्स, और 30% होगा तो कुल मैच क्या होगा 2x। यानी क्या, पहले x था तो अब 2x हो गया, कितना बढ़ गया x, और x का मान कितना दिया हुआ 30, अब 2x का मान क्या 60। यानी अब तक कुल मैचों की संख्या क्या 60। और ऐसे क्वेश्चन में आप अगर इतना अच्छा डिजिट हो तो ये भी नहीं करना है, इससे भी आगे चलिए। आप देखिए शरबत है, ये पानी है और यहाँ चीनी है, चीनी 30% है, चीनी 30% है और शरबत कुछ है। जितना शरबत है उससे दुगना शरबत बना लेंगे तो चीनी का प्रतिशत 15 नहीं रह जाएगा, पानी मिलाकर अगर दुगना शरबत बना लें तो पानी का प्रतिशत क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो 60% था वो 30% हो गया है, इसका मतलब मैच को दुगना कर दिए होंगे। तो 30 मैच बढ़ाकर दुगना कर दिए हैं, तो पहले मैच कितना खेले थे 30, तो कुल मैच कितना हो जाएगा 30 और 30 60। बिना पेन लगाए कुछ मत कीजिए, चूंकि 30 और 60 होगा तब, लेकिन अगर इसको कुछ और बदल देगा तो ये काम आप नहीं कर पाइएगा, तो ये करना होगा। तो एक लाइन तो किए हम लोग, यहाँ क्या किए जरा सा देखिए, यहाँ हम लोग कुछ किए ही नहीं, हमने कहा कि जब 60% मैच पाकिस्तान जीता था तो कुल मैचों की संख्या क्या थी x, और जब 30% जीता है तब कुल मैचों की संख्या क्या होगी 60x/30, यानी क्या 2x, दुगना हो गया ना। x था 2x हो गया, तो बढ़ कितना गया x, और बढ़ कितना रहा है 30, यानी x का मान 30, तो 2x का मान 60। ये आंसर है आपका।